प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को G20 शिखर सम्मेलन से हटकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से त्रिपक्षीय बातचीत की। यह पहला मौका है जब तीनों देशों के बीच वार्ता हुई। बैठक में मोदी ने साझा मूल्यों पर साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि जापान अमेरिका भारत JIJ की बैठक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित है। JIA का अर्थ जीत से है। उन्होंने कहा कि यह बैठक तीनों देशों के विचारों को एक साथ लाना है। वहीं शिंजो आबे ने कहा कि JIA में शामिल होकर वे काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बैठक के दौरान ट्रंप ने भारत के विकास और गाथा की तारीफ भी की। आतंकवाद, बहुपक्षीय हितों समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक में तीनों देशों के बीच संपर्क, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और स्थायी विकास जैसे वैश्विक और बहुपक्षीय हितों के सभी अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि यह ऐसे वक्त पर हुई जब चीन दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद और पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ विवाद में उलझा है। ये दोनों क्षेत्र खनिज, तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। भारत चीन रूस में भी त्रिपक्षीय वार्ता। मोदी ने सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी त्रिपक्षीय वार्ता की। बैठक में तीनों देशों के बीच विश्व शांति, स्थिरता और विकास को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री ने सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। इस दौरान मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। आर्थिक भगोड़े अपराधियों पर हो कार्रवाई। मोदी ने G20 बैठक के दौरान भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने 9 बिंदुओं में सुझाव पेश किया। उन्होंने G20 के सदस्य देशों से आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग करने को भी कहा।